गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज 6 सितंबर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज द हिंदू का एडिशन नहीं आया, इसलिए हम इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा उर्जित पटेल नए गवर्नर के बारे में। उर्जित पटेल आपको पता होगा नए गवर्नर वो आ चुके हैं और रघुराम राजन से रिटायर हो चुके हैं, और जब वो आए हैं उनकी सिचुएशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन रघुराम राजन टुक द ओथ ऑफ गवर्नर 3 years अगो देन द सिचुएशन वाज मोर डिफिकल्ट एंड नाउ द सिचुएशन इज नॉट एज मच डिफिकल्ट। सो क्या अभी फिलहाल सिचुएशन है, अभी हमारे जो मैक्रो स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे तो मतलब बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आप रुपी की देख लीजिए, रुपया हमारा फिलहाल अभी स्टेबल है, यानी बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। और देखिए, एक बैंकर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो इन्फ्लेशन, और फिलहाल इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। नॉर्मल मानसून इस बार आया है तो ठीक ठाक इन्फ्लेशन है। और बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडियन बैंक गेन्स। तो बॉन्ड यील्ड अभी फिलहाल इंक्रीज हो रही है, यानी हमारे बैंक्स हैं उनका गेन बढ़ रहा है। उनका बैंक्स का गेन बढ़ेगा तो एनपीएस उनका कम होगा। और रघुराम राजन ने जो ये स्टार्ट किया था एनपीएस को क्लीन करने का, वो भी सही ट्रैक पर चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है उनके लिए सिर्फ एक स्मूथ पाथ है, कुछ चैलेंजेस भी यहां पर हैं। तो देखिए किस तरह के चैलेंजेस उनके लिए यहां पर हैं। एक नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, आरबीआई की तरफ से, 3 गवर्नमेंट की तरफ से। अभी उस कमेटी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना जो कि एक रेट डिसाइड करेगी, वो उनके लिए एक चैलेंज है। उनको अच्छे से कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। दूसरा है स्टेट ओन्ड बैंक्स है जैसे SBI, PNB, इनकी गवर्नेंस की तरफ ध्यान दिया जाए। काफी यू कैन से दैट करप्शन और इनके चार्जेस आते रहते हैं, जैसे सिंडिकेट बैंक में हायर मैनेजमेंट में करप्शन के चार्जेस आए थे और मिसमैनेजमेंट भी है। तो इनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना एक बड़ा यहाँ पर इनके लिए चुनौती होगी। और तीसरा चैलेंज इनके लिए है फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो पाथ जो हमारे PM ने ये स्टार्ट किया था जनधन योजना के रूप में, इसको आगे कैसे ले जाया जाए और नई बैंक्स को कैसे लाइसेंस दिया जाए, इंक्लूडिंग द पेमेंट बैंक्स एंड द स्मॉल बैंक्स। जैसे अभी बहुत सारे पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था, ये जो मॉडल है इसको भी सक्सेस बनाना इनके लिए एक चुनौती होगी। और एक नया चैलेंज इनके लिए है वो है, देखिए जो इनकी वर्किंग है रघुराम राजन से है, वो उनकी वर्किंग बिल्कुल अलग है। और रघुराम राजन जी काफी हाईलाइट में रहते थे और पटेल के बारे में जाना चाहता है कि ये बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हैं, और इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है और इंडियन इकोनॉमी की अच्छी समझ है इन्हें। और देखिए अभी तक तो इन्हें भी पता लग गया होगा, या फिर इन फिलहाल के जो सारे सिचुएशंस थे, अभी रघुराम राजन जी का जो कार्यकाल था, जो पहले के जो 1.5 साल हैं और 2 साल जितने भी हैं उसमें गवर्नमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी होती है, लेकिन लास्ट के साल में गवर्नमेंट के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। यू कैन टेक द केस ऑफ रघुराम राजन, ही वाज हैविंग द गुड अंडरस्टैंडिंग विद द यूपी गवर्नमेंट, बट आफ्टर चेंजिंग द गवर्नमेंट ही वाज नॉट इन द गुड बुक्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। और ये ऐसा होता है अक्सर, पिछले गवर्नर्स के साथ भी ऐसा हुआ था। और राजन ने अभी फिलहाल अपनी स्पीच में कहा था कि आरबीआई की वर्किंग या फिर जो आरबीआई का गवर्नर का कार्यकाल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का कितना फेद आरबीआई गवर्नर में है। गवर्नमेंट को बचाना चाहिए आरबीआई गवर्नर को, इवन व्हेन ही सेज द नो, यानी नो की जो एबिलिटी है उसको बचाना चाहिए। जो अगला आर्टिकल है वो है हमारा G20 के बारे में। G20 वैसे तो 1999 में बनाया गया था, लेकिन जो असली काम इसने करना स्टार्ट हुआ असली काम इसने करना स्टार्ट किया 2008 के बाद में, जब हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई यूरोप में, और उसके बाद में उस क्राइसिस को टैकल करने में एक बहुत अच्छा यहाँ पे योगदान दिया था हमारे G20 ने। और G7 का स्थान धीरे धीरे ये ले रहा है। G7 में सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं और G20 में हमारे काफी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया चाइना भी G20 में है। अभी फिलहाल कोई भी ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की कल्पना करना इंडिया और चाइना के बिना में, वो बहुत ही बिल्कुल अधूरा रह जाएगा वो इंस्टीट्यूशन। और देखिए अब ये कितने ज्यादा कन्फ्लिक्ट हैं, there are so many conflicts in the world today and now G20 is a major global institution to tackle those conflicts, lekin ye bahut zyada conflicts ye reflection hai G20 par tackle karne ke bajaye mein yahan dikh rahe hain zyada conflicts kaise hain। Beijing aur US ke beech mein climate change mein ek agreement hua, ye achhi baat hai aur ye climate change ke liye bahut hi achhi cheez hai yahan par। Aur dusra dekhiye, ab US chahta hai ki South China Sea mein jo hai चाइना सारे के सारे इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करें, यानी एशिया टू पिवट पॉलिसी के लिए अच्छा है। यूएस चाइना को कंटेन करना चाहता है, चाइना कभी भी यूएस के आगे नहीं झुकेगा। तो यहां पर कंफ्लिक्ट होगा ही होगा और मेजर पोलराइजेशन यहां पर होगा ही होगा।
और तीसरा जो पॉइंट है, चाइना और यूएस फ्यूल पर सब्सिडी देने के पक्ष में नहीं है, यानी जो इंटरनली यू कैन टेक द केस ऑफ इंडिया, इंडिया गिव्स सब्सिडी टू इट्स फार्मर्स ऑन द फ्यूल एंड वेरियस अदर थिंग्स, यूएस एंड चाइना आर अपोज टू दिस, दे डोंट वांट द कंट्री शुड गिव सब्सिडी ऑन द केसेस ऑफ लाइक इन द केस ऑफ फ्यूल, बट इंडिया इज इन फेवर ऑफ गिविंग सब्सिडी इन द केस ऑफ फ्यूल एंड अदर फूड ग्रेन्स ऑल्सो, बट हेयर इट इज देयर इज अ कंटेंशन ऑन द केस ऑफ फ्यूल. और जो इंडिया और एलाइज हैं वो चाइना को फोर्स कर रहे हैं एनएसजी में आने के लिए, लेकिन चाइना कहता है, चाइना हमेशा ये कहता है कि मुझे बदले में क्या मिलेगा, मतलब साफ साफ नहीं कहता, लेकिन चाइना की इंटेंशन यही है, इफ दे आर अलाइंग इंडिया टू कम इन द एनएसजी फोल्ड देन व्हाट दे विल गेट, द होल इंटेंशन ऑफ चाइना इज दिस. चाइना अभी फिलहाल साबित करना चाहता है कि वो ऐसा कंट्री है जो डब्ल्यूटीओ रूल्स को फॉलो करता है, और यूएसए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ में, जैसे यूएस ध्यान दे रहे टीपीपी के तरफ, टीपीआईपी की तरफ में, और अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ में. और आप यूरोप देख लीजिए, यूरोप का तो पूरा बैंकिंग सिस्टम ही डामेडोल है, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है. ब्रिटेन का ध्यान किस तरफ है, ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है ब्री एग्जिट, तो वहां पर वो ये टैकल करने में लगा हुआ है इसके कंसिक्वेंसेस कैसे होंगे, जो प्रॉब्लम्स इमर्ज होकर आएंगी उनको कैसे टैकल किया जाए. आज देखिए पावर का जो स्ट्रक्चर है वर्ल्ड में वो तेजी से चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं है कि वर्ल्ड को किन रूल्स पर गवर्न किया जाए, तो इसलिए ज्यादा कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में और ज्यादा से ज्यादा कन्फ्लिक्ट आएंगे. तो इंडिया को अपने आप को तैयार करना चाहिए कि जो पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए. 2008 में जब क्राइसिस हुई थी, जब तब तो G20 ने मेजर रोल अदा किया था उनको टैकल करने में. फिलहाल ना तो कोई कॉमन एजेंडा है, ना कोई कंसेंसस है, ना कोई विजन है. और लास्ट ईयर भी देख लीजिए आप, एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि टेररिज्म पर निकल कर आएगा बहुत कुछ, लेकिन ये टेररिज्म पर कुछ भी निकल के नहीं आया. और इंडिया का फिलहाल केस देखिए तो कई इश्यूज पर इंडिया चाइना के साथ में है, कई इश्यूज में इंडिया यूएस के साथ में है. और चाइना के पास जब से पावर आई है यूएस की तरह, चाइना के पास जब से पावर आई है तो वो भी यूएस की तरह, मतलब एक मेजर इंपीरियल पावर की तरह अपने आप को एसर्ट करने लगे. आप साउथ चाइना में देख लीजिए, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशियन में अपनी पावर बढ़ाया जा रहा है, इवन साउथ पैसिफिक ओशियन में जहां तो उसका कोई इतना ज्यादा पहले स्कोप था नहीं. इंडिया की स्ट्रेटजी फिलहाल यही है, इंडिया की स्ट्रेटजी फिलहाल है कि वो यूएस के साथ अलाइन होके कैसे ना कैसे बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश किया जाए. एक और आर्टिकल है अभी उसके बारे में हम यही पढ़ेंगे. अगला आर्टिकल हमारा है मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी डिबेट. इसका कंटेक्स्ट ये है, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ट्रिपल तलाक केस पर. ट्रिपल तलाक केस के खिलाफ में, यानी सुप्रीम कोर्ट हटाना चाहती है, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने अपना एफिडेविट दिया. उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक जरूरी है. ट्रिपल तलाक क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा कि अगर ये ट्रिपल तलाक नहीं होगा तो आसानी से तलाक नहीं मिलेगा वुमन को, आसानी से तलाक नहीं मिलेगा तो हस्बैंड तंग आके वुमन को मर्डर करने की कोशिश करेगा. लाइक दिस काइंड ऑफ आर्टिकल मुस्लिम लॉ बोर्ड गेव टू सुप्रीम कोर्ट. एंड एक दूसरा आर्टिकल, दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया इसके पक्ष में कि देखिए अगर आसानी से तलाक नहीं होगा तो केस जाएगा कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर केस जाएगा तो हस्बैंड वुमन के कैरेक्टर पर सवाल उठाएगा, और अगर सवाल उठेंगे तो वुमन की रीमैरिज नहीं होगी. तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक केस वुमन के फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है. अब देखिए ये दो आर्ग्यूमेंट्स मुस्लिम लॉ बोर्ड ने दिए क्यों ट्रिपल तलाक होने चाहिए, जो कि आपको काफी ये आर्टिकल देखिए, ये आर्ग्यूमेंट्स काफी ऑफेंसिव रिएक्शनरी पोजीशन लेने वाले हैं. और मुस्लिम लॉ बोर्ड अपने आप में ही एक डुबियस अथॉरिटी है, ये अब राइटर के व्यू है, ये डुबियस अथॉरिटी है. डेमोक्रेसी की वैल्यू और प्रोग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है, और ये पेट्रियार्कल और नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का कॉम्बिनेशन है. मुस्लिम लॉ बोर्ड सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ है. ये पेन अभी तक ठीक नहीं है, पेन ठीक करना पड़ेगा. ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए है. और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में क्यों नहीं आता, देखिए जब भी व्हेनेवर वी ट्राइज टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आवर कंट्री, देन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम्स दे ट्राई टू ब्रिंग द और मेक द परसेप्शन दैट दिस इज बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियन, यानी हिंदूज दे वांट टू इम्पोज देयर नॉर्म्स ऑन अस, दैट्स व्हाई द दे वांट टू ब्रिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन आवर कंट्री. बट दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल पार्ट ऑफ द डिबेट बिटवीन द माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज, दिस इज द पार्ट ऑफ द मेजर डिबेट टू गिव राइट्स टू द वुमन, टू गिव राइट्स टू द अदर कम्युनिटीज हियर. और बाकी ऐसे मेजोरिटी कम्युनिटी की भी यहां पर गलती है. मेजोरिटी कम्युनिटी को क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी लाने की बात आती है वो कहते हैं नेशनलिज्म आएगा इससे.
अरे भाई नेशनलिज्म तो आएगा, चलो कोई बात नहीं, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमन, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ अदर सेक्शंस, मतलब उनके राइट्स का क्या? तो सिर्फ नेशनलिज्म के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, ये तो अपने आप में एक अधूरी बात है। वुमन के राइट्स यहां पर ज्यादा जरूरी है, उनकी फ्रीडम, उनकी लिबर्टी यहां पर ज्यादा जरूरी है। और कम्युनिटी या हिंदू या मुस्लिम देख लीजिए, उनको ना अपने, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ इम्पोज नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो इम्पोज कर रहे हैं ट्रिपल तलाक वुमन पर, ये नहीं पता वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कितना उनको नुकसान है क्या फायदा है। वो देखिए सभी कम्युनिटीज यूं कहती हैं कि आप हमें ग्रुप राइट्स दीजिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इवन ग्रुप राइट्स हैं भी सर, आर्टिकल नंबर 20, 30 और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें ग्रुप राइट्स है। वो कम्युनिटीज अपने आप में तो मेजर फ्रीडम चाहती हैं, लेकिन वो कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देना चाहती। यानी मुस्लिम्स कहते हैं जैसे कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हिंदूज के जो नॉर्म्स हैं नहीं फॉलो करने हैं, हमें मेजोरिटी से फ्रीडम चाहिए, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के अंदर यानी वुमन को अपनी कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल भी राइट्स नहीं देना चाहते, वो अपने राइट्स काम करना चाहते हैं वुमन के। और इसके बाद आता है कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा सेक्युलरिज्म बिल्कुल अलग है, और जो बाकी कम्युनिटीज और रिलीजन है वही बात, सेम बात है, अंदर कम्युनिटी के अंदर जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनके फ्रीडम को दबाने में लगे हुए हैं। और दोबारा से वही बात, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस की। और ये फोर्सेस लाइक मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये पर्सनल स्पेस में जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको क्लेम करना चाहते हैं और अपना हक जमाना चाहते हैं। कोई भी मेजोरिटेरियन कंट्री, मेजोरिटेरियन कंट्री मतलब जिसमें एक कम्युनिटी हावी हो, जैसे इंडिया है, इंडिया में हिंदूज हावी हैं, यानी इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, हावी का मतलब उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। और मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा मेजोरिटेरियन कंट्री में, यानी इंडिया जैसे, इंडिया में मुस्लिम और हिंदूज का कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इक्वल प्रोटेक्ट यहाँ पर जरूरी है, कन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन जरूरी यहाँ पे है इंडिविजुअल राइट्स को देना, जैसे कि फ्रीडम, डिग्निटी, लिबर्टी। और जो ये राइट्स हैं इनकी माइनॉरिटी की डिबेट तो चलती ही रहेगी। ये सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं है, ये हिंदूज में भी है, हमारे भी देख लीजिए, जब हम यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल ला रहे थे 1954 के आसपास, तो कहाँ आया, नहीं आ पाया वो हिंदूज कोड बिल था। तो हमने क्या किया, अलग अलग सेक्शंस करके हम जो बिल लाए, जैसे कि मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, आल्सो एडॉप्शन एक्ट, आल्सो हेरिटेज एक्ट, आल्सो, मतलब ये इस तरह के हम अलग अलग करके लाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम्स के लिए भी साहबानों केस में एक बहुत ज्यादा वाटरसाइड मूवमेंट थी, यू कैन से दैट दिस वाज अ केस ऑफ 1987, और इसमें जो वुमन राइट्स देने की बात थी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम्स के अंदर, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 1987 में, उन्होंने मैंने पार्लियामेंट में ला ला के वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को निरस्त कर दिया, और फिलहाल उसके बाद में कोई चेंज हुआ नहीं वुमन राइट्स के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में। और क्यों आने चाहिए, आने चाहिए सिंपल सी बात, बार बार एक ही बात निकल कर आई है, फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए और जस्टिस के लिए। और नेशनलिज्म के नाम पर यहाँ पर एक इक्वेंसी रेट, एक गैप क्रिएट हो जाता है कम्युनिटी के बीच में, तो राइट्स को ज्यादा अहमियत यहाँ पे देनी चाहिए बजाय कि नेशनलिज्म पे। और हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो भी इसे अपने माइनॉरिटीज को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, यानी उन्हें लगता है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये हमारी जीत होगी, ये जीत आपकी नहीं, ये जीत होगी एक राइट्स की, इंडिविजुअल के राइट्स की। और जो सूडो सेकुलर हैं वो भी एक आइडेंटिटीज का वार क्रिएट कर देते हैं, जो बोलने के लिए सेकुलर है लेकिन आइडेंटिटी का वार क्रिएट कर देते हैं, और इसमें जो कम्युनिटीज के बीच की खाई है वो बढ़ती जाती है। कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्टेट नहीं कर सकता, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स दिए हैं इंडिविजुअल को, उन पर अपनी ओपिनियन नहीं इंपोज कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्पष्ट स्टैंड लेना होगा। और कोई भी लॉ कब लॉ बनेगा, जब ये स्टेट, देखिए दो चीजों पर लॉ डिपेंड करता है, एक तो स्टेट की कैपेसिटी, एक सोशियोलॉजिकल रियलिटी, ये दोनों प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यानी कोई भी अगर लॉ बनाए, एक तो वो सोसाइटी, कम से कम आधी सोसाइटी उसे माननी चाहिए, और दूसरा स्टेट उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, तभी वो लॉ बन सकता है, नहीं तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। दो कौन से रीजन, एक तो स्टेट कैपेबल होना चाहिए, दूसरा कम से कम आधी सोसाइटी उसे माननी चाहिए। लॉ तभी लॉ बनेगा जब ये बताई दिया मैंने आधी सोसाइटी उसे मानेगी। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है बार बार, दिस इज नॉट द डिबेट ऑफ द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, दिस इज द फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। बस ये आर्टिकल इतना ही था। अब आर्टिकल है लिमुआ के बारे में, सीरा जमोन का एक अच्छा आर्टिकल यह है।
आपको पता होगा, वी साइन द लीमोया, अभी हमने एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ में मिलिट्री बेसिस के यूज करने के लिए, दो तीन दिन से आ रहा है तो आपको पता ही होगा, नो नीड टू टेल यू कंटेक्स्ट। अब ये बताते हैं, देखिए इंडिया बार बार ये कह रहा है कि ये इसमें ये एक मेजर मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसमें वार के लिए मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में यही गई है कि इंडिया अब मिलिट्रीली यूएस के साथ ज्यादा अच्छे से अलाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है इंडिया, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और जैसे कि नेबरहुड में हमारे जो पावर शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्ट का गेम बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है, न्यूक्लियर अलायंस है, जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान चाइना को हेल्प कर रहा है न्यूक्लियर पावर में, इसलिए हम भी खाली हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, हमें भी मेजर अलायंस, मेजर मिलिट्री अलायंस मेजर पावर के साथ करना होगा, और धीरे धीरे हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। हम अब फिलहाल, अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम मिलिट्री डायमेंशन की तरफ दोबारा फिर से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी पिछले कुछ सालों में हमने मिलिट्री डायमेंशन पर फोकस नहीं करा था, हम इकोनॉमिक डायमेंशन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, और अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा इंडिया ने वियतनाम के साथ में मिलिट्री टाइज बढ़ाकर अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ा दिया है, और हमने वियतनाम को $500 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड करी है। ये जो क्रेडिट लाइन है वो एक्स्ट्रा है, इससे पहले भी हमने $100 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन मिलिट्री टाइज के लिए वियतनाम को दी थी, और इसके अलावा हमने भी फिलहाल जो काबुल को मिलिट्री एड दिया, यानी अफगानिस्तान को मिलिट्री एड दिया, जिसको तालिबान ने क्रिटिसाइज भी किया था, तालिबान ने कहा था कि इंडिया कितने दिनों तक जो वहां पर काबुल की सत्ता है कितने दिनों तक उनको रोक सकता है, अल्टीमेटली हम कब्जा वहां पर कर ही लेंगे। अब इसका पाकिस्तान इसका विरोध करे इंडिया का यूएस के साथ मिलिट्री अलाइनमेंट का, तो जचता है। इवन कांग्रेस इज अपोजिंग इट ऑन द व्हाट बेसिस। देखिए कांग्रेस ने 2005 में इसे स्टार्ट किया था, और बाद में जो लिमोया अलायंस है बाद में एक कोल्ड फीट दे दिया, यानी बाद में इसे भूल गए थे। अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस इज सेइंग दैट इट इज डिपार्चर फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री न्यूट्रलिटी, यानी हम मिलिट्री न्यूट्रल रहते थे, लेकिन ये अभी एक मेजर डिपार्चर है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में, और हमें रहना चाहिए एज ए नॉन अलाइंड कंट्री। अब नॉन अलाइनमेंट कंट्री था वो नेहरू जी ने स्टार्ट किया था 1950s में, और उनका नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था कि स्विट्जरलैंड की तरह बिल्कुल एक अलग देश बनना। मतलब देखिए स्विट्जरलैंड के बारे में आपको बताता हूँ, स्विट्जरलैंड कभी भी किसी इशू पर स्टैंड नहीं लेता, बिल्कुल न्यूट्रल कंट्री उसे कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। तभी आपने देखा होगा सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर हैं वो स्विट्जरलैंड में है, ये एक मेजर रीजन है। जो हमारे नेहरू का था नॉन अलाइनमेंट का मतलब वो ये नहीं था कि किसी भी मेजर पावर के साथ अलाइन नहीं करना, उनका मतलब था कि मेजर पावर के साथ में अपना मौका देख के एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके तब उनके साथ अलाइन करना अपने मिलिट्री नीड्स के हिसाब से। और कांग्रेस ये भी कहती है कि इस अगर हम जैसे लिमोया जैसे चीजें साइन कर रहे हैं तो इससे हमारे जो टाइम टेस्टेड अलाइज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब देखिए दो बातों में कंफ्लिक्ट देखिए आप, टाइम टेस्टेड अलाइज, अगर हमने किसी के साथ हम हमेशा नॉन अलाइन रहे, यानी हमने किसी के साथ में मिलिट्री अलाइन नहीं किया पास्ट में, तो हमारे टाइम टेस्टेड अलाइज कैसे हो सकते हैं, यानी कांग्रेस की दोनों बातों में कंफ्लिक्ट है यहां पर। देखिए ये बात सच है कि यूएस के साथ में लिमोया साइन करने से रशिया जैसे कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन थोड़े बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो डिक्लाइन हो सकते हैं। और इंडिया को ये लगता है कि जो चाइना और पाक का अलायंस है वो और भी ज्यादा पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब 1962 में वार हुआ, 1962 में जब हमारा चाइना के साथ वार हुआ तो नेहरू जी गए यूएसए के साथ में, और फिर 1971 में हमारा वार हुआ, 1971 में हमारा वार नहीं हुआ, उससे पहले ही की बात है, जब यूएस और चाइना के रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हुए तब हमने एक ट्रीटी साइन करी सोवियत यूनियन के साथ में, इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी। उस ट्रीटी का हमें कितना ज्यादा फायदा हुआ था उस टाइम पर, यानी उस टाइम पर अगर ट्रीटी वो नहीं होती तो हम बांग्लादेश का वार नहीं जीत पाते। तो उस टाइम भी उस ट्रीटी को बहुत सारे सेक्शंस के द्वारा क्रिटिसाइज किया था कि हमें ये ट्रीटी नहीं करनी चाहिए और हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। जो इंडिया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर टाइज, इंडिया पाकिस्तान और चाइना के जो न्यूक्लियर टाइज फिलहाल जो बढ़ते जा रहे हैं उनको हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में हमारी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, हम वियतनाम के साथ मिलिट्री एड बढ़ा रहे हैं, काबुल के साथ मिलिट्री एड इनको ज्यादा दे रहे हैं हम। जब यहां पर देखिए
इंडिया अब फिलहाल पोजीशन सिचुएशन ऐसी है कि पोजीशंस लिए बिना नहीं रह सकता। अब वियतनाम और चाइना के बीच में पोजीशन लेनी पड़ेगी तो इंडिया पोजीशन लेगा वियतनाम के रूप में, और काबुल और तालिबान है अगर पोजीशन लेनी पड़ेगी तो डेफिनेटली इंडिया पोजीशन लेगा काबुल के फेवर में। चाइना की जो पावर है वो रेडिएशन की तरह फिलहाल बढ़ती ही जा रही है, या दो ही ऑप्शन है, या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर एफर्ट्स लगाओ इसको कर्व करने में और बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने में। और इंडिया वही अभी एफर्ट्स लगा रहा है, इंडिया यूएस के साथ अलाइन होके चाइना की जो पावर बढ़ती जा रही है रेडिएशन की तरह उसको एक बैलेंस ऑफ पावर के रूप में देखना चाहता है, यानी चाइना को ऐसे मेजर पावर की तरह नहीं बनना चाहता कि वो सुपर पावर बन जाए, एक बैलेंस ऑफ पावर और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है इंडिया। ओके बस देयर वर फोर आर्टिकल्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस।